ये है मेरी साड़ी जिसका हम सूट बनाएंगे देखिए ये है पल्लू ये पल्लू पार्ट ये देखिए इस तरह से मोर बने हुए हैं ये देखिए और ये साड़ी देखिए इस तरह से है इसपे इस तरह से बीच में कहीं कहीं पे इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है कलर इतना डिसेंट है शायद कैमरे में इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा होगा ये देखिए इससे पहले पाउडर और पॉल को रिमूव कर लेते हैं सो so फ्रेंड्स ये देखिए जो साड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वहाँ पे साड़ी प्लेन होती है जहाँ पे तो मैंने उसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है क्योंकि जो हमारा प्लेन पार्ट है वो हम शर्ट की बैक साइड में लेंगे और फ्रंट साइड पे हम जहाँ पे थोड़ थोड़ा थोड़ा वर्क सा है हम वो साइड लेंगे तो ये देखिए मैंने आ, चौबीस इंच फैब्रिक लेके उसे फोल्ड कर लिया है इस तरह से तो ये फोर्टी एट इंच फैब्रिक है ट्वेंटी फोर इंच इस तरह से विथ लेके मैंने फिर से फोल्ड किया है ये देखिए तो अब हम इसकी कटिंग कर आ, तो इसको हम कट कर लेंगे तो ये हमारा कटिंग हो गई है अब ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट था और ये हम फ्रंट पार्ट पे हमारा ये वाला जो पैटर्न है फ्रंट पार्ट पे आ जाएगा तो इससे हम करेंगे शर्ट की कटिंग तो चलिए अब इसे सेपरेट कर लेते हैं सो so फ्रेंड्स ये है पल्लू पार्ट इससे हम बनाएंगे स्लीव तो पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और डिज़ाइन पैटर्न को मिला लेंगे अच्छी तरह से ताकि डिज़ाइन जो है वो एक जैसा ही रहे और उसके बाद इसे फ़ोल्ड कर देंगे ये हमारे फोर फोल्ड हो गए हैं अब हम स्लीव जो है मुझे रखनी है ट्वेंटी इंच नाइनटीन इंच की और वन इंच मार्जिन रखूँगी तो ट्वेंटी इंच पे की हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से कटिंग करके मैं इसे सेपरेट कर लेती हूँ देखिए बाकी जो बची हुई साड़ी है उसमें से हम प्लाज़ो निकालेंगे लेकिन सबसे पहले जो हमने स्लीव्स कट की थी पल्लू पार्ट में से उसमें जो पार्ट बचा हुआ है हम उसे भी अलग से सेपरेट कर लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा वर्क सा है तो वो हम नहीं यूज़ करेंगे अपने प्लाज़ो में तो पैंट कट प्लाजो हम बनाएंगे तो उसके लिए हम उसकी कटिंग अलग से कर लेते हैं चलिए अब कटिंग कर लेते हैं पैंट कट प्लाजो की तो पहले मैं जो वेस्ट एरिया है वो है मेरा 44 जिसमें मैंने लूजनेस भी ली हुई है तो 44 को हम फोर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमने फोर फोल्ड में किया हुआ है तो 44 को फ़ोर से डिवाइड करेंगी तो आएगा 11 इंच देखिए इसमें मैं सीम अलाउंसेज अभी नहीं ले रही हूँ तो 44 आया तो 11 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद देखिए जो हमने 11 इंच लिया है इसको हम हाफ़ कर लेंगे इसका जो 5.5 आएगा हम उस पर एक निशान लगा लेंगे और उस लाइन को सीधा हम नीचे तक खींच लेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके बाद देखिए ये मैं सेंटर पॉइंट से ही कच एरिया के लिए निशान लगा रही हूँ वो मैं ले रही हूँ थर्टीन इंच और थर्टीन इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और इस साइड भी मैं थर्टीन इंच पे निशान लगाकर एक स्ट्रेट सीधी लाइन लगा लूँगी कचेरियाँ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपका टेन पॉइंट फाइव भी हो सकता है एलेवन पॉइंट फाइव भी हो सकता है ये आपका जो वेस्ट होती है उसको आप फोर से डिवाइड कीजिए जो आता है उसमें टू इंच हम लोग ऐड करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला है तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो कचेरिया पे तेरह इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और दो इंच पे मैंने आसन के लिए निशान और आगे बढ़ा दिया है जो नीचे पहुंचा है आ, मोरी है वो मैं ले रही हूँ आठ इंच तो मैंने आठ इंच जो तो मिड पॉइंट था जो उससे चार इंच इधर और चार इंच उधर पे मैंने निशान लगा लिया है और ये वीच वाली लाइन जो है मैं उसे थोड़ी डार्क कर रही थी मुझे दिख नहीं रही थी लाइट हो गई थी तो यहाँ से हम देखिए अब कच एरिया के लिए जो हमने आसन के लिए दो इंच हमने और आगे बढ़ाया था यानी ग्यारह का हमने तेरह इंच पे निशान लगाया और तेरह इंच ही हमने लेंथ ली तो इस तरह से हम इसको शेप दे दी हमने और इस... देखिए निशान हम लगा चुके हैं नीचे हमने आठ इंच की मोरी रखी है तो इस साइड हमने जो मिड निशान लगाया उसे चार इंच पे इधर निशान लगा लिया है अब शेपर की हेल्प से हम निशान लगा लेंगे उसे पॉइंट्स को सब जोड़ देंगे पॉइंट्स को निशान लगाकर और अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से शेपर को रख कर निशान लगा लेंगे देखिए अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप सिंपल सीधा पॉइंट्स को इस तरह से कर्व देते हुए निशान लगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको शेपर ही चाहिए आप इस तरह से सिंपल निशान भी लगा सकते हैं तो ये हो गई है हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग अब हम बैक पार्ट की कटिंग के लिए क्या करेंगे जो हमारा कच एरिया वाली साइड है वहाँ पे वहाँ से हम डेढ़ डेढ़ इंच के गैप पे एक एक पॉइंट लेते जाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे तक हम निशान लगा देंगे डेढ़ इंच के छोड़ छोड़ के जो हमने ड्राफ्टिंग की थी बैक पार्ट तो ये इन सब पॉइंट्स को फिर हम मिला देंगे तो ये हमारा बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो हो जाएगी क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हम एक या दो इंच या डेढ़ इंच हम लूज़ थोड़ा बड़ा बनाते हैं उस सो फ्रंट पैंट कट प्लाज़ो की हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट की हो गई है अब हम सीम अलाउंस छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे आप चाहें तो सीम अलाउंसेस पे निशान लगा सकते हैं या मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ वन इंच या हाफ इंच आप जितनी भी सीम अलाउंस रखना चाहते हैं उतना फैब्रिक छोड़ के आप उसकी कटिंग कर लीजिए तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसकी देखिए पहले हमने बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग की है अब हमने नीचे से दो फैब्रिक छोड़ दिए हैं और ऊपर से देखिए आप देख सकते हैं मैंने ऊपर के पार्ट दो डबल फैब्रिक फैब्रिका जो उसकी कटिंग की है फ्रंट पार्ट के लिए तो आप इस तरह से या तो आप उसे अलग अलग करके भी कटिंग कर सकते हैं अब जो हमने प्लाजो कटिंग की है ये हमने रख लिया है लाइनिंग ये मैंने कॉटन की यूज़ की है कॉटन की लाइनिंग को मैंने इस तरह से बिछा लिया इसके ऊपर जो हमने प्लाजो की कटिंग की थी उनको रखेंगे और उसकी और जो लाइनिंग है उसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद देखिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ इसकी स्टिचिंग आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं या आप इसे आ, सिंपल स्टिच करना है आप इसको स्टिच कर सकते हैं कि किस तरह से स्टिच करते हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा पूरा सूट बनकर रेडी हुआ है तो ये देखिए ये मेरी शर्ट रेडी हो गई है आप देख सकते हैं इसका नेक इसका वीडियो मैं ऑलरेडी नेक का अपलोड कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन पे आपको दिखा दू, दे दूँगी आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं ये इस तरह से मेरी स्लीव्स बनकर रेडी हुई हैं आप देख सकते हैं ये मैंने जो पल्लू पार्ट से बनाई थी स्लीव्स वो हैं और इस तरह से देखिए मैंने डबल बॉर्डर करके स्लीव्स पे लगाया है आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर को डबल किया है ताकि बॉर्डर एक चौड़ा सा मेरा रेडी हो जाए इस तरह से मैंने उसे डबल बॉर्डर यूज़ किया है और ये हो गई मेरी स्लीव्स रेडी और नेक का, का जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अब वहाँ से देख सकते हैं और नेक पे मैंने जो है बॉर्डर्स को ही ज्वाइन कर कर करके बनाया है और ये मैंने कॉटन की लाइनिंग ही यूज़ की है इसमें तो ये देखिए इस तरह से सूट हुआ है रेडी अब नीचे जो इसकी शर्ट की लेंथ थी जब हमने बॉर्डर्स को कट कर दिया तो शर्ट की लेंथ कम आ रही थी तो उसके लिए हमने क्या किया पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन दिया है ये जो मैंने स्लीव्स क्रिएट की हैं वहां से मेरी बॉर्डर थोड़ा बड़ा था वहां से पचा था पीस तो मैंने यहां पे लगा दिया और नीचे फिर बॉर्डर ही लगा दिया है क्योंकि लेंथ कम हो रही थी लेंथ भी बढ़ानी थी और बॉर्डर भी अटैच करने थे और इसी तरह से बैक पे भी मैंने ऐसे ही दिया है ये देखिए ठीक है तो ये इस तरह से मेरी ये शर्ट रेडी हो गई और ये रहा मेरा प्लाजो जो मैंने स्टिच किया था इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई है आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है इसके लुक चलिए देखते हैं और देखिए ये मेरे पास एक दुपट्टा था ग्रीन कलर का जो इसके साथ ग्रीन कलर मैच हो रहा था और ये मेरा दुपट्टा जो था इसमें भी आप देख सकते हैं पिंक पाउडर है तो ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा था तो इसके साथ मैंने ये दुपट्टा कैरी किया है हैवी दुपट्टा है मेरा वर्क वाला देखिए इस तरह से इस पे वर्क है तो चलिए आप मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूं ये ड्रेस तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं अपने सिल्क की साड़ी के बॉर्डर्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल सा नेक और अपने सिल्क का सूट और इस तरह से किसी भी दुपट्टे के साथ वेयर कर सकते हैं जो उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो सूट की लुक बहुत ही अच्छी आई है प, आ, शायद पिक में इतना अच्छा कलर भी नहीं आ रहा है इसका कलर भी बहुत सुंदर है तो सूट पहनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है